नमस्कार साथियों, दीपक कोबरामैन बाड़मेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाड़खा गांव से एक कंप्लेन आई है कि एक झोपे के अंदर सांप बैठा हुआ है, तो अभी हम वहां जाकर देखेंगे कि कौन सा सांप है, तो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं और अभी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाएगा और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन सा सांप है, कितना खतरनाक है, जहरीला है या बिना जहर का है, सभी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं। अब ये वाला घर है, ये डाणी है। अब हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कौन सा सांप है। तो दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और हमने देखा कि ये कोबरा प्रजाति का सांप है जो कि बहुत जहरीला सांप है। अगर ये आपको कहीं दिखाई दे तो इससे जितना हो सके दूरी बना लें, क्योंकि ये काफ़ी घातक है। अगर ये किसी को काट लेता है तो समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचने पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इस वजह से इससे जितना हो सके दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर इस सांप ने किसी को काट लिया तो समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस वजह से जितना हो सके दूरी ही बनाए रखें। अगर ये सांप किसी को काट ले तो जितना हो सके जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें, किसी झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूँक इसका इलाज नहीं है। इलाज इसका हॉस्पिटल में ही मिलेगा आपको, और अगर समय पर पहुंच गए तो ज़रूर इंसान की जान बचाई जा सकती है। और ये सांप जो है, हम इसे भगवान का रूप मानते हैं, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि किसी मंदिर जाने से इंसान ठीक हो जाएगा तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। एक बार मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा कर भी आप मंदिर जा सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके जल्दी हॉस्पिटल जाएं। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं इस सांप को, जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। धन्यवाद दीपक जी ने। करते हैं सांप को जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको दस्त नहीं है तो पहुंच तो पको ही जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं सांप को जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम कंट्रोल कर रहे दीपक जी जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं सांप को जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको आबादी क्षेत्र से दूर इसको स्थान पर छोड़ देंगे। राम जी साथ में जैकन। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं सांप को, अभी पकड़ लिया डब्बे के अंदर डाल रहे हैं और नसार खान साथ में, उसके बाद में हम इसको नसार खान जी भी साथ में जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं सांप को जल्दी से जल्दी और उसके बाद में हम इसको जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं सांप, हमारी कोठड़ी के अंदर घुस गया था, नाग डाल देते हैं, उसको पकड़ लिया बाद में हम इसको दो घंटे हम जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं सांप को जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको तो दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे।
ये पैक कर लिया। हम रेस्क्यू करते हैं शाम डब्बे के अंदर, जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं हर मुंड बताऊंगा। उसके बाद में हम इसको जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं इस सांप को, जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं इस सांप को, जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको जितना हो सके आबादी से इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं इस सांप को, जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको जितना हो सके आबादी क्षेत्र से इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं इस सांप को, जल्दी से जल्दी डिब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको जितना हो सके आबादी क्षेत्र से दूर इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो अब हम रेस्क्यू करते हैं इस सांप को।